प्रत्यय में संधि होगी, कहें तो उपसर्ग भी है और संधि भी है। प्रतिधन अय, अय का अर्थ होता है मेल, प्रत्येक के अंत में जो मिला क्या कहलाया भाई, प्रत्यय। अगर हम प्रत्येक की बात करें तो जो शब्दांश परिभाषा लिख लेते हैं पहले, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या विशेषता ला देते हैं उन्हें, प्रत्यय कहते हैं। यह है परिभाषा। मैं आपको बता चुकी हूँ अर्थ में परिवर्तन के बजाय ये क्या लेकर आते हैं, विशेषता। ये मैं बता चुकी हूँ कि लगभग अर्थ इनका पुल्लिंग का अर्थ होता है वाला, और स्त्रीलिंग का अर्थ क्या निकलेगा, वाली। अर्थ में भी समस्या नहीं है, जो शब्द का अर्थ वही किसका अर्थ निकलेगा, टुकड़े का। सबसे पहली बात, प्रत्यय के पूछता है भेद, कई बार आ चुका है कि प्रत्यय के भेद कितने हैं। तो प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो प्रत्यय के दो भेद हैं। अगर कहें कौन कौन से दो भेद, पहला कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, और दूसरा तद्धित प्रत्यय या तदिधांत प्रत्यय। कई बार चार शब्द देकर पूछ लेता है, बताओ कौन से शब्द में कृत प्रत्यय है, कई बार कौन से शब्द में तद्धित प्रत्यय है, और चार शब्द और चारों में ही क्या मिलेंगे, प्रत्यय। पता कैसे करें कि किस में कृत है और किस में तद्धित है। तो सबसे पहली बात तो कृदंत शब्द में संधि है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग शब्द शुद्धि के पीछे पड़े हुए रहते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो मैं आपको बताऊं कि 90% शब्द शुद्धि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वचन से जुड़ी हुई होती है। अगर ये पांच टॉपिक किसी को आते हैं तो 90% शब्द शुद्धि क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप आपको पता चल जाएगा। और ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप केवल कुछ शब्दों को रट करके याद रख सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ बात कर ले, कृदंत में व्यंजन संधि होती है, कृत धन अंत, टुकड़ा इसका ही आएगा क्योंकि मुझे ये आगे समझाना है। इसका टुकड़ा कर दिया, कृत धन अंत, और तदिदांत में पहले दीर्घ आएगी, तद्धित धन अंत, और वैसे तद्धित में व्यंजन हो जाती है, तत् धन हित, उसका संधि विच्छेद हो जाता है। सबसे पहले कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय
किसे कहते हैं, हम इस पर क्या कर लें बात। कृत का अर्थ होता है करना। हमारा फर्स्ट ही टॉपिक था क्रिया, मैंने बताया था आप लोगों को वहाँ पे कि करना क्रिया। तो मैं आपको बताऊं, तद्धित आपके क्लियर हो ना हो, 100% कौन सा प्रत्यय क्लियर हो जाएगा, कृत। और जो कृत का नहीं है वो समझ जाओ अपने आप ही किसका हो गया, तद्धित का हो गया। कृत का अर्थ करना, यानी अगर मैं कहूँ किसे कहते हैं कृत प्रत्यय, तो धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे भाई, कृत प्रत्यय। और तद्धित के अंतर्गत बात करूं तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण। के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय, क्या कहलाते हैं, तद्धित। तो एक कृत प्रत्यय और एक कौन सा हो गया, तद्धित प्रत्यय। चलिए बात करें हम कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत, क्या कृत प्रत्यय और क्या तद्धित प्रत्यय। तो धातु मैंने आपको बता दी थी, फिर भी इनकेस आप भूल गए हो तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, यानी संस्कृत में होती थी धातुएं और हिंदी में होती है क्रिया। तो संस्कृत की धातु के अंत में हमने ना लगाया और हिंदी में क्या बनाई हमने, क्रिया। इसे आप जितनी क्रियाएं देखेंगे आपको सभी के अंत में क्या नजर आएगा, ना। चलना, खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, उठना, बैठना, जागना, सब में क्या लगा हुआ है, ना। और आप जैसे इनमें से ना हटा दोगे क्या बन जाएंगी, धातु। जैसे चल, खा, पी, कर, सो, जा। पिछले ग्राम सेवक में ऐसा आया, अभी कुछ इन्हीं में से उदाहरण लेकर उसने पूछा था कि बताइए ये क्या चीज है इसके अंदर क्रिया का, आंसर में था मूल धातु। हम इन्हें मूल धातु बोलते हैं, धातु में भी ये मूल धातु कहलाते हैं। तो आप देखिए, आपको दिखने में तो एक वाक्य लगेगा, चल खा पी कर सो जा, लेकिन हकीकत ये इसमें वाक्य नहीं है, सबके बीच में आपको कोमा नजर आ रहा है, सब धातुएं हैं। ना लगाओगे तो क्रिया बनेगी, चलना, खाना, पीना, करना, सोना, जाना, सभी के अंत में क्या है, ना। समझ में आई बात। अब जब आपसे पूछेगा टुकड़ा, जैसे शब्द आ गया लिखावट, तो अगर हम बात करें वो दो देगा, एक लिखना धन आवट, एक लिख धन आवट, ऐसे वो दो देता है ऑप्शन में। तो कई सोचते हैं लिखना धन आवट, मैं एक बार लिख देती हूँ,
और एक लिखद है ना आवट। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये आंसर तो हो गया है गलत इसमें, और ये क्या हो चुका है सही। यानी हमेशा प्रत्यय किस में जुड़ेगा, धातु में, यानी ना नहीं होना चाहिए या क्रिया रूप नहीं होना चाहिए। जैसे पढ़ाई आ गया, पढ़ना धन आई और पढ़ धन आई, तो पढ़ना धन आई नहीं होगा, क्या होगा फिर, पढ़ धन आई। क्या इतनी बात समझ में आई? तो हमेशा धातु में जुड़ेगा, क्रिया के अंदर प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। अगर आपको कभी पता नहीं चले किस चीज़ का कि ये धातु है या नहीं, तो उसके लास्ट में अंत में ना लगा के देख लेना। अगर वो क्रिया होगा रूप, तो जैसे धातु में ना लगाओगे क्रिया बन जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा ये तो नहीं बन रहा, इसका मतलब ये नहीं है। तो कैसे पता चलो करोगे वो देखो आप। आया हुआ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, काफ़ी बार आ चुका है, लुटेरा। अगर मैं बात करूं, टुकड़ा सुनो, ये दिया था पटवार एग्जाम, ऐसे लिखा था ये, जो गलत था। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा ये गलत क्यों है। उसने क्वेश्चन दिया, चार अलग अलग शब्द उनके आगे उनका टुकड़ा, और फिर पूछा कौन से शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही प्रयोग है। तो मेरा जितना दायित्व है, जितने रूपों में आता है वो सारे मैं आपको बता दूंगी, आगे आपको उनको याद रखोगे नहीं रखोगे वो आपकी बारी होती है। तो ये गलत था, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जब प्रत्यय पढ़ते हैं तो उनका पूरा फोकस होता है कि प्रत्यय गलत निकलेगा, तो उन्हें ये लगने लगा एरा की बजाय ऐरा होगा शायद, ऊपर मात्रा लगेगी। अरे अभी तो बताया है, जैसी मात्रा वैसे की वैसे निकलेगी, टे में ए है तो ए निकलेगा, ये तो सही है। पर ये लुट नहीं होता, मूल शब्द होता है लूट, और लूट में प्रत्यय कौन सा है, एरा। अब जिसे शब्द शुद्धि पता है क्लियर करेगा। अब स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ सही है और कहाँ कौन सी चीज़ गलत है, और वहीं पर वो मात खा जाते हैं। तो लुटेरा में वो छोटा दिख रहा था, इसलिए स्टूडेंट्स को लग रहा था छोटा ही तो आएगा। लुटेरा में तो वो छोटा ही होता है, पर जो मूल शब्द होता है लूट, उसमें ऊ की मात्रा बड़ी। जब एरा प्रत्यय जुड़ेगा तो वो इस लय में जो ऊ है उसे क्या कर देगा, छोटा, और लुटेरा के अंतर्गत फिर मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि जो लुटेरा शब्द है ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है या तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है? तो एक ही चीज़ है इसके अंदर सामान्य से। अगर हम लोग बात करें यहाँ से, लूट धातु है या नहीं ये चेक करना होगा आपको, टुकड़ा अलग करके मूल शब्द देखना होगा। तो लूट धातु है या नहीं, अगर आपको नहीं पता चले तो आप उसमें प्रत्यय लगा लो, ना वाला रूप, मतलब क्रिया वाला। तो जैसे लूट में ना लगाओगे तो रूप बनेगा लूटना, लूटना क्रिया होती है, इसका मतलब लूट धातु है और धातु में लगा है, तो इसका मतलब लुटेरा प्रत्यय कौन से प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा, कृत प्रत्यय का उदाहरण। यानी इसमें कौन सा प्रत्यय है, कृत। तो ऐसे एक शब्द होता है सपेरा, एरा प्रत्यय भी क्लियर हो जाएगा आपका। चलो लिखा गया टुकड़ा, सांप धन एरा, बाकी अब खाली बिंदु ही लगती है इसमें, सांप धन एरा, चंद्र बिंदु की बजाय भी अब बिंदु ही लगाने लग गए, यानी अनुस्वार सा रूप नजर आता है, सपेरा है। सपेरा शब्द का टुकड़ा करोगे तो क्या बनेगा, सांप धन एरा, एरा तो पहले भी लिख ही दिया है। अब देखो सांप धातु है या नहीं है, अब आपको नहीं भी पता चले तो आप सांप में ना लगा के देख लो, तो शब्द बनता है सांप ना,
सपना तो होता नहीं है, यानी इसका मतलब वो धातु रूप तो नहीं है, तो ना ही साप सर्वनाम वगैरह है। जी पता नहीं है तो भी पता चल जाएगा ये संज्ञा है। अब ये संज्ञा के अंत में लगा है एरा, इसका मतलब सपेरा में कौन सा है? तद्धित प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय का है। मैंने ये बोला इसलिए है सपेरा उदाहरण, कईयों को लगता है लुटेरा में कृत था ना एरा, तो एरा के जितने उदाहरण है सब फिर यहीं आते, ऐसा नहीं बोला है मैंने। मैंने कहा है मूल शब्द और टुकड़ा करके देखना, ये नहीं है कि एक प्रत्यय का एक रूप यहाँ है तो एक यहाँ। हाँ किताबों में जरूर दोनों के मिक्स में उदाहरण मिल जाते हैं, लिखता ऊपर कृत पर तद्धित के भी दे देता है, लेकिन वैसे जब पूछेगा तो कृत मतलब धातु और तद्धित मतलब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। आगे देखिए आप इसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट में आया शब्द घुमाओ, अगर हम टुकड़ा करें इस शब्द का, उसने दिया छोटा ही था, घूम धन आव किया था जो क्या था गलत, होना क्या चाहिए था घूम, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए थी बड़ी। तो ये मैं बता रही हूँ कि एक एग्जाम में नहीं बहुत एग्जाम्स में ऐसा कर चुके हैं। अब देखो घूम धातु है या नहीं, तो आप जैसे ना लगाओगे तो क्रिया बनेगी घूमना, इसका मतलब घूम धातु है, इसका मतलब ये किसका उदाहरण हो गया कृत का। लेकिन आप जैसे ही देखोगे नमकीन, एक और उदाहरण लिख दिया, टुकड़ा करोगे एक ही मात्रा बड़ी, मैंने कहा जैसा प्रत्यय वैसा का वैसा निकलेगा, तो नमकीन में इन एक की मात्रा बड़ी। अब देखो नमक धातु है या नहीं है, धातु नहीं है बल्कि ये तो क्या है संज्ञा है, तो नमकीन किसका उदाहरण बन चुका है तद्धित प्रत्यय का। जैसे शब्द आ गया सजावट, सज धन आवट, सज धातु तो सजावट किसका बन गया कृत का, बनावट बन धन आवट या बुन धन आवट, तो बनना या बुनना क्रिया होती है, तो इसका मतलब धातु रूप और धातु से क्रिया बन जाएगा बन और बुन से बुनना और बनना, तो इसका मतलब बनावट किसका उदाहरण हो जाएगा कृत का। ऐसे ही शब्द आपका आता है सौंदर्य, टुकड़ा सुंदर धन यह, सुंदर धातु तो है नहीं, अब आपको नहीं पता यह विशेषण है या नहीं है, पर यह तो पता है धातु नहीं है, इसका मतलब सौंदर्य किसका उदाहरण हो चुका है तद्धित का। तो मेरे हिसाब से आपको ये तो पता चल चुका होगा कि कृत का उदाहरण कब होगा और तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कब होगा, तो जब धातु के अंत में लगेगा तब तो किसका उदाहरण आ जाएगा कृत का, और धातु की बजाय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगेगा तो उदाहरण किसका हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा आगे की बात कर लेते हैं। अब हम काफी बार आया हुआ है एक क्वेश्चन, जरा मैं लिख दूं, पूछता है कि दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय होता है दर्शनीय में। जी तो स्टूडेंट कह देते हैं, जैसे आप लोगों में से सबसे ज़्यादा आवाज आ रही है ई है, ई है नहीं है इसमें, तो कई बार मैं बच्चों से पूछती हूँ तो कई ये कह देते हैं अनी है, फिर मैं पूछ लेती हूँ अच्छा बताओ मूल शब्द कौन सा, कहते हैं दर्श, ये दर्श नहीं है ये दृश्य है, देखे अंदर री लगा हुआ है आपको नज़र ही नहीं आता, कई इंटरव्यू में दे रहे हो और बोल रहे हो दर्श, तो चीज़ गलत है, दृश्य धातु। और अगर हम बात करें तो धातु में अन जुड़ेगा पहले तो, तब शब्द बनेगा दर्शन। क्वेश्चन यहाँ से पटवार में आ चुका,
खूब गलत हुआ, छुट्टी का खूब बच्चों ने गलत किया, समझा यहीं दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तो एक उदाहरण ही, उन्हें खूब पढ़ा हुआ था इसलिए आ गया। अच्छा और बात करें, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, दर्शनीय, मानवीय, नगरीय, जातीय, फिर पूछता है किसमें यह प्रत्यय नहीं है, तो स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूज़न। तो सो की बात क्या कि धातु के साथ कभी यह प्रत्यय जुड़ता ही नहीं है, धातु के साथ तो सदैव अन्य प्रत्यय होता है। हाँ, संज्ञा वगैरह के साथ कौन सा प्रत्यय आपको नजर आएगा ये का? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, मैं विद्यार्थियों को तीन शब्द यहाँ से बताती थी, वो एक दर्शनीय, एक नमनीय और एक, क्योंकि ये शब्द शुद्धि में भी तो बहुत आ जाता है, पूजनीय। कईयों को पूजनीय नहीं लिखना होता, जय आधा पूरा होता है, उकी मात्रा बड़ी होती है, टुकड़ा करोगे। अब ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये दर्शनीय तो रटा हुआ है, खूब आ चुका है, नमने और पूजनीय आते फिर गड़बड़ हो जाती है, पूजनीय आते तो लगता ही नहीं आनी है, नहीं है क्या, पूजन मूल शब्द और यह हो गया ना प्रत्यय। जबकि नमनीय में देखोगे तो नम निकलेगा, और नम में क्या जुड़ रहा है, अनीय। मैं कई बार पूछ लेती हूँ, आपने नम धातु रूप नहीं पढ़ा क्या? कहते नहीं नहीं पढ़ा हमने, तो आप सब ने खूब पढ़ा है, नमस्कार, नमस्ते, शायद हर शिक्षक संधि विच्छेद बताता है, नमे धनकार, नमे धनते, तो सही तो बदला है विसर्ग में, बाकी तो जो का त्यों ही रहा है वो मैं वाला रूप उसके अंतर्गत, तो नमी है और क्या है, लेकिन क्लियर नहीं है। पूजनीय में पूज्य धातु, अनीय प्रत्यय, तो धातु है। अगर आप बात करें नगरीय, नगर धन ईय संज्ञा है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि धातु के साथ अनीय प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु के साथ किसका प्रयोग नहीं होता है, ईय का। ईय का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा, धातु में कभी ईय नहीं लगता है। नगरीय में देखोगे नगर, नगर संज्ञा उसके अंतर्गत, आप कहेंगे नगरीय के साथ जातीय, जाति मूल शब्द उसके अंतर्गत आ जाएगा, मानवीय मानव मूल शब्द, मानव में यह लगाओगे तब क्या बनेगा, मानवीय। तो नियम आपका पहला यहाँ से क्लियर हो गया है कि दर्शनीय, नमनीय, पूजनीय, इन सब में प्रत्यय कौन सा है, अन्य। अच्छा, खूब रटा हुआ रहता है बच्चों को शब्द पठनीय, पूछ लो कभी भी कौन सा प्रत्यय, कहते अन्य है, वहाँ बता देंगे पठ धातु पड़ा हुआ है, जैसे ही उनके अलावा बिना रटे हुए में से आया तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, गड़बड़। इसका मतलब है नियम नहीं आता, नियम आएगा तो आप लगा कर देखोगे, लगा कर देखोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा, समझ में आया। अगली बात करते हैं, एक क्वेश्चन और पूछना है मुझे आप लोगों से, आया हुआ ही है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ दो, यहाँ पे तो चलो वो मैंने टुकड़ा ही कर दिया, उस समय पूछा था, क्वेश्चन नंबर दो एलडीसी में आया था, आरु प्रत्यय नहीं है, कि कौन से शब्द में आरु प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन,
बीमार हूँ। जुझारू गंवारू फोर्थ ऑप्शन। दुधार ये चार क्या थे ऑप्शन। आरू प्रत्यय किसमें नहीं है, बीमारू जुझारू गंवारू दुधारू ऐसे चार क्या दे दिए उन्होंने ऑप्शन। मेरे हिसाब से इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। उसके बाद भी विद्यार्थियों का क्या हुआ गलत। सबसे बड़ी बात आपको आरू प्रत्यय अलग करके देख लेना चाहिए था उनमें से। तो आरू हटाइए पहले तो आप इनमें से। इसके बाद पहले तो ये बताओ दुधारू से तात्पर्य क्या है। तो दुधारू दूध देने वाले को आप बोलते हैं दुधारू। गंवारू गांव वाले से जो जुड़ा है वो। जुझारू जूझने वाला। और बीमारू बीमारी से ग्रस्त। ये इनके टुकड़े हुए मतलब शब्दों के अर्थ बताए हैं। अब जो शब्द का अर्थ वही किसका अर्थ होना चाहिए टुकड़े का। आरू हटते ही मूल शब्द क्या बचता दूध। दूध में ऊ की मात्रा बड़ी होती है। आरू जुड़ने के बाद ही छोटी होती है। तो टुकड़ा करवाएगा तो दूध में ऊ की मात्रा बड़ी। तो दूध में आरू तो इसका टुकड़ा ये होता है अदरवाइज दूध धन आरू। तो दूध वाला यानी दूध देने वाला पशु क्या कहलाया दुधारू। इसका मतलब इसका तो सेम अर्थ है। गंवारू गांव धन आरू जो गांव वाला है वो क्या है गंवारू वो भी सेम अर्थ है। ये गांव आरू जुड़ेगा तो गा का आ एम ए बदलेगा। जुझारू जूझ धन आरू आपने सुना होगा खूब कि मोहन जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहा है। जूझ रहे हैं मतलब लड़ रहा है वो वाली चीज आएगी। तो जूझना क्रिया होगा और आरू हटाओगे तो जूझने वाला क्या कहलाएगा जुझारू। इसका मतलब ये तो सेम है। बीमारू बीमारी से जो ग्रस्त है। आरू हटा क्या बचा बीम। अब बीम का बीमारी से क्या लेना देना है। इसमें तो मूल शब्द ही बीमार है और प्रत्यय वो आता फिर बीमार में तब बनता बीमारू। और हमारे विद्यार्थियों से पूछो आरू प्रत्यय के उदाहरण तो बीमारू बाजारू सबसे पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि आरू से रटा हुआ है आ तो गया। बीमारू में आरू बाजारू में आरू मारू उसमें भी आ ही गया। अरे बाजारू में से आरू हटाओगे तो बाज बचेगा। बाज का बाजारू से क्या लेना देना है। बाजारू के अंतर्गत तो बाजार मूल शब्द है तो उ प्रत्यय आएगा। कई कह देते मैडम गंवारू में भी तो गंवार मूल शब्द और उ प्रत्यय है। वो बिल्कुल हो सकता है लेकिन सबसे पहली बात वो आपसे ये नहीं पूछ रहा इसमें प्रत्यय कौन सा है। उसमें उ भी है और आरू भी है दोनों ही है। आर प्रत्यय आता है एक कुम्हार सुना हो कुंभ धन आर सुनार सोना धन आर तो वैसे ही आर जुड़ेगा इसके अंतर्गत। तो गांव में आर जुड़तर गंवार और आर में उ जुड़ा शब्द क्या बन गया गंवारू। तो उसने आरू पूछा तो आरू हटते मूल शब्द क्या ही बचा गांव। समझ में आई बात आपको। तो ध्वनि सुनकर के नहीं डिसाइड करना कि इसमें ये है और इसमें ये नहीं है। जैसे मैं आपको और बताऊं उदाहरण यहाँ तो यहाँ देखिए। अब आप लोग कई बार बच्चों को लिखवा रहे होते हैं एक प्रत्यय जिसका नाम है आड़ी।
कि आड़ी प्रत्यय के उदाहरण, बच्चा सबसे पहले बोलता है कबाड़ी। अरे कबाड़ी बोल तो दिया, क्यों बोला? क्योंकि आड़ी की क्या गई ध्वनि। लेकिन अब देख तो सही, आड़ी हटा ले क्या बचा? कब? अब कब का कबाड़ी से क्या लेना देना? लेकिन आपका सबसे फेवरेट शब्द आड़ी का यही आएगा सबसे पहले, अनाड़ी यहाँ आ जाता। अज्ञेय मूल शब्द होता है अज्ञेय या अन, अज्ञेय ज्ञान से रहित वाला, तब होता है अनाड़ी। खिलाड़ी खेल में आड़ी हो जाता है उसके अंदर, तो वो तो समझ में आता है खेल धनाड़ी, खेल वाला खिलाड़ी। अनाड़ी ज्ञान से रहित वाला, अनाड़ी अज्ञात है, ए यानी नहीं, ज्ञ यानी ज्ञान, ज्ञान से जो रहित है। तो कहने का मतलब आपको ध्वनि सुनकर नहीं करना, जैसे इसी को समझाया। और यहीं से एक क्वेश्चन आया मिलता जुलता पटवार के अंदर, क्या उसने शब्द दिया बुहारी, पूछा कौन सा प्रत्यय है, चलने दो आरी, देखते ही ऑप्शन में आरी। दूसरी बात, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब पुराने पेपर हैं, रटे हुए हैं, फिर भी एक बार सोच लो, लेकिन जिस समय ये एग्जाम में आए उस समय का परिणाम क्या था, डिसाइड तो वहां से होगा। वहां पर ये गलत था, कह रहे आरी तो आएगा इसके अंदर। अरे आरी आएगा तो फिर मूल शब्द क्या बचाएगा? वो फिर वो का अर्थ क्या होगा? जबकि उन्हें ये भी पता था कि बुहारी का मीनिंग क्या होता है, झाड़ू निकालना, झाड़ू निकालना होता है बुहारी। वहाँ सबसे बड़ी बात होती है आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं क्वेश्चन। अरे चार ऑप्शन दे रखे हैं उसने, तो क्या जाता है एक बार चारों हटा हटा के देख लोगे और मूल शब्द निकाल लोगे तो कम से कम अर्थ आ जाएगा, और कभी गलत होने की क्या नहीं होगी संभावना। लेकिन आप ऐसा करते नहीं हैं, कबाड़ी आया देखते ही तुरंत आड़ी कर दिया, जबकि इसके अंतर्गत मूल शब्द वास्तव में कबाड़ होगा। और फिर प्रत्यय क्या निकलेगा? ई, तब होगा कबाड़ी। तो बुहारी में क्रिया सुना होगा बुहारना, और ना में जुड़ेगा नहीं, धातु में जुड़ेगा प्रत्यय, तो एक आता है बुहार। सेम ई प्रत्यय था, बुहार में ए, तो प्रत्यय तो गलत नहीं हो सकते। लेकिन प्रॉब्लम है आप जल्दबाजी में जाकर उन्हें क्या करते हैं, गलत, इसलिए वो आने के बाद भी क्या हो चुके हैं, गलत। ये आपकी समस्या है। अब मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ें और समझाने जा रही हूँ, वो क्या है वो सुन लो पहले आप। प्रत्यय इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सी शब्द शुद्धियाँ आएंगी आगे, और बहुत से नियम आएंगे, मैं आपको बता दूँ। आप जितना ध्यान से पढ़ लोगे वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सुनिए, शुरू के तीन प्रत्ययों में से ही क्वेश्चन कन्फर्म आता है, कन्फर्म 100%, ची आए वाक्य शुद्धि में, ची आए शब्द शुद्धि में, और ची आए संज्ञा से विशेषण या विशेषण से संज्ञा में, कहीं भी आए आता कन्फर्म है। और ची आए प्रत्यय में से चार जगह क्रॉस करता है ये, एक है एक, एक होता है ए, एक होता है यह, एक होता है ई, एक होता है आयन, और एक होता है ए। ये कुछ प्रत्यय हैं, इनमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तीन प्रत्यय जो मैं बताने वाली हूँ, एक तो एक, एक यह और एक ए, इन तीन में से ही कोई ना कोई एक क्या आ चुका होगा क्वेश्चन। सबसे पहली बात, ये चीज़ है क्या? ये पूरा खेल समझ का है, लिखे हुए तो ये प्रत्यय हर जगह है, प्रॉब्लम है समझ में नहीं है कि चीज़ें क्या हैं। एक प्रत्यय, यह प्रत्यय, अप्रत्यय, मैं बता चुकी हूँ ये तीन तो मुख्य हैं।
इनसे ही सबसे ज्यादा होगा, इन्हीं का रूप सबसे अलग बनेगा। ये तीन पर आप विशेष ध्यान दें। वैसे ये छह के छह प्रत्यय एक प्रकृति के होते हैं। क्या? ये लगभग प्रत्यय शब्द के पहले वर्ण में जो स्वर होता है उस स्वर में करते हैं वृद्धि। मतलब अगर शब्द के पहले वर्ण में ए स्वर हो या आ स्वर हो तो ये इसको परिवर्तित कर देते हैं प्रत्यय मिलकर स्वरों को, किस में? आ में। अगर दोनों छोटे ई हो, सॉरी एक छोटा ई एक बड़ा ई हो, यानी दोनों ई हो या ए हो, तो ये छह के छह प्रत्यय इन तीनों स्वरों को बदल देते हैं आई में। ऐसे ही अगर दोनों ऊ हो, यानी एक छोटा एक बड़ा और साथ में ओ हो, तो ये तीनों प्रत्यय मिल करके उसे बदल देते हैं किस में? औ में। और यदि पहले वर्ण में री हो तो बदल देते हैं अर में, नहीं आर में। ये क्या करेंगे? परिवर्तन। पहले वर्ण को इनके अंदर बदला जाता है। ए आ होगा तो आ में, ई ए होगा तो आई में, दोनों ऊ या ओ होगा तो औ में, और री होगा तो आर में बदले जाते हैं। तो पहले वर्ण में जो स्वर आता है वो किस में बदले जाते हैं? अपने बड़े रूप के अंतर्गत, यानी वर्ण में क्या कर देते हैं? वृद्धि। या मैं लिख देती हूँ, पहले वर्ण के स्वर में वृद्धि कर देते हैं वृद्धि। क्या? ये वृद्धि का ही रूप है जो मैंने आपको बताया है। तो दो प्रत्यय इनमें से अंत में भी परिवर्तन करते हैं, वो क्या? ये जो यह प्रत्यय है ये शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। तो दूसरे नियम में यह प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण को आधा करता है या आधा कर देता है, यानी जब भी लगेगा आधा हो जाएगा। ये आप अच्छे से नियम ध्यान रख ले, आगे जाके जितने उदाहरण आएंगे शब्द शुद्धि के तो हैं वो सारे, प्लस में इन्हीं से ही आगे चीजें क्या होंगी आपकी क्लियर। तो तीसरा नियम, ये जो प्रत्यय है यदि शब्द के अंतिम वर्ण में ऊ स्वर आता है, कोई सा भी ऊ हो, तो ऊ स्वर को बदल देता है औ में। तो तीसरा नियम, ए प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण में आए ओ, कोई सा भी ओ हो सकता, ओ स्वर को अव में परिवर्तित कर देता है समझ में आई क्या बात आप लोगों को? ये आपके कुछ नियम आए हैं यहाँ से, जो अब हमें क्या करना है क्लियर। सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं पूछती आपसे कि समाज में एक प्रत्यय जुड़ेगा क्या बनेगा, तो कह देते हैं सामाजिक। इतिहास में एक जुड़ा क्या बना,
तो कह देते हैं ऐतिहासिक, उद्योग में इक जुड़ा तो कह देते हैं औद्योगिक, पर ये पूछ लो उद्योग से औद्योगिक कैसे हो गया, वो नहीं आता, बस वो रटा हुआ है इसलिए वो हमें आता है। कैसे इतिहास से ऐतिहासिक, वो नहीं पता। समाज से सामाजिक कैसे, वो नहीं पता। रटे हुए शब्द आते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं आता। तो अब मैं पहले एक प्रत्यय की बात करती हूँ, मैं आपको एक बार फिर से समझा रही हूँ यहाँ, क्योंकि उसके बाद ये पेज जब हट जाएगा तो आपको बार बार ये नज़र नहीं आएगा कि ये चित्ते प्रत्यय हैं। पहले वर्ण में जो भी स्वर आएगा उसमें वृद्धि करेंगे, यानी ए आ को आ में बदल देंगे, ई या ए को ऐ में, उ या ओ को औ में, और रि को किसके अंतर्गत बदल देंगे, आर के अंतर्गत। समझ में आई क्या बात आपको जी? तो हम पहले एक प्रत्यय पर क्या कर लेते हैं बात, चलो इसी पर एक बार हम बात समझना शुरू करते हैं। खूब आया हुआ एक शब्द है, अध्यात्म। आपको प्रत्यय लगाना है एक। अब आप देखते जाइए आप शब्द शुद्धि में इन्हें कैसे रटते हैं, जबकि ये कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, पूर्णतः मनोवैज्ञानिक रूप से है। अध्यात्म का पहला वर्ण कौन सा है? ए। इक प्रत्यय, पहले वर्ण में जो स्वर आएगा उसमें क्या करेगा? वृद्धि। तो मुझे बताना, पहला वर्ण आया ए, तो इक प्रत्यय ए को किस में बदल रहा है? आ में। तो ए की बजाय क्या हो चुका है? आ, ध, या, त, में इक क्या बना शब्द? आध्यात्मिक। और आप इसे शब्द शुद्धि में रट रहे होते हैं, अरे आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, जबकि जैसे सामाजिक बना वैसे ही तो बना है, इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है। आगे देखो, लगभग बच्चे गलत लिख रहे होते हैं, जब मैं देखती हूँ इन चीज़ों को, समझाने के बाद भी गलत लिख देते हैं। ये देखिए, शब्द है प्रमाण। प्र का अगर बात करें, प्र में कौन सा स्वर? ए। ए को किस में बदलेगा? आ में। यानी प्र का क्या होगा? प्रा, मा, अणिक। क्या शब्द बन गया? प्रामाणिक। और आप क्या लिख रहे होते हैं कॉपी में? प्रामाणिक। आगे देखो, व्यवहार। पहला वर्ण है वह तो आधा है, वह के आगे देखो कौन सा वर्ण आया? यह। यह में कौन सा स्वर आया? ए। ए को किस में बदलेगा? आमी। तो अगर बात करें यहाँ, व, या, व, हा, रिक। और आप लोग व्यवहारिक के बजाय लिख रहे होते हैं व्यवहारिक। ऐसे व्यवसाय में एक आता है व्यावसायिक, पता ही नहीं चलता आ कहाँ से आ रहा है, कहते ये वो शब्द तो शुद्धि में आया ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान का पढ़ा तो सामाजिक ऐतिहासिक, ये भी नहीं था तो रटा हुआ था। अगला देखो, तीन बार शब्द शुद्धि में आ चुका है, अब भी 90% से ज़्यादा बच्चों को इसकी शब्द शुद्धि का ज्ञान नहीं है, और ये तीन बार आ चुका है शब्द शुद्धि में, थर्ड ग्रेड पटवार वगैरह सब जगह, और लगभग बच्चे गलत बताते हैं। राजनीति में एक कहते हैं राजनीतिक, रटाया, फिक्स है, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग करंट जीके के लिए, वर्षों हो गए हैं कहीं न्यूज़पेपर में राजनीतिक छपे नहीं देखा है मैंने, हर जगह शब्द शुद्ध देखा है, पता ही नहीं है होगा क्या। तो देखो जरा, रे में कौन सा स्वर है? आ। आ का क्या ही रहेगा? आ। क्या होता है शब्द? राजनीतिक। और आप क्या बोलते हैं? राजनैतिक।
कम भक्ति ये नैतिक कहाँ से आ जाता है? मैंने नीति थोड़ी पूछ रही हूँ आपसे, मूल शब्द तो राजनीति है, फिर भी आप उसको क्या कर देते हैं गलत। राजनीतिक नहीं होता है शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द क्या होता है? राजनीतिक। कहीं आए ज्ञान और लगाते हैं क्या? मैडम ते में ही आगे ही बड़ाई नहीं बनेगा क्या? ये तो संधि नहीं कर रहे हो, परिभाषा लिख चुके हो। जुड़ता है, जुड़ता है यानी अंतिम जो भी होगा स्वर वो हटेगा और प्रत्यय उसमें जो कहते हो वर्ण में क्या होगा? जुड़ेगा। समझ में आई बात? जैसे और देखो, एक इक का भी उदाहरण लेती हूँ, बाकी तो नहीं तो इनका रूप गड़बड़ी नहीं होता है। क्लिक ऑन दी सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन ऑन दी यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। डाउनलोड ई उत्कर्ष ऐप from Google Play Store. E-Utkarsh app is one-stop solution for your competition exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference links. For quick revision, make your own custom flashcard. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So now download E-Utkarsh app.